नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है AGBG यानी कि ऑटोमोबाइल ज्ञान बाय गगन की आज इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉक डिफरेंशियल और MLD थार का, जो MLD आता है जिसको मैकेनिकल लॉकर डिफरेंशियल कहते हैं। तो ये MLD क्या है, ये लॉक डिफरेंशियल क्या होते हैं, उसकी बात करने वाले हैं। कल जो वीडियो आई थी उसमें हमने बात की थी ओपन डिफरेंशियल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में बिल्कुल वो आपको मिल जाएगी, पहले वो वीडियो देखें क्योंकि वरना ये वीडियो प्रॉपर्ली शायद आपको समझ ना आए। और जिन लोगों ने कल वाली वीडियो देख ली थी वो ये वीडियो पूरा देखें, आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा वो टॉपिक भी और ये वाला टॉपिक भी। तो शुरू करते हैं लॉक डिफरेंशियल ओपन डिफरेंशियल। ओपन डिफरेंशियल का देखो दोस्तों सीधा सिंपल काम था, वहाँ पे क्या हो रहा था, जो भी पावर इंजन से आ रही थी वो एक प्रॉपरली दोनों साइड जा रही थी। अगर किसी व्हील में ट्रैक्शन है, मतलब ट्रैक्शन मतलब कहीं रुका हुआ है, ज़्यादा ट्रैक्शन है और एक में कम ट्रैक्शन है, तो ज़्यादा स्पीड दूसरे वाले की हो रही थी। माइंड यू यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है जो कल वाली वीडियो में नहीं कह पाया था, वो ये कि ज़रूरी नहीं कि एक दोनों में मतलब एक व्हील रुक गया दूसरा ज़्यादा तेज घूम रहा है, इसका मतलब है टॉर्क जो है ज़्यादा दूसरे वाले को मिल रहा है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। कल मैंने देखा था किसी कमेंट में बोले कि सारा टॉर्क जो है एक व्हील को चला जाता है, ऐसा नहीं होता है, सारा टॉर्क एक व्हील को नहीं जाता है, टॉर्क तो दोनों तरफ रहता है। पहले एक चीज़ आप समझ लो कि टॉर्क होता क्या है, एक सिंपल चीज़ सिंपल तरीके से फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो जैसे कि मान लो एक टायर है, मतलब एक बाइक है, सबके घर में बाइक होती है। बाइक को जब आप मेन स्टैंड पे लगाते हो तो उसके पीछे वाला व्हील जो है हवा में रहता है, ठीक है। अभी आप अपनी अंगुली से उस टायर को यूं घुमाओ, ठीक है, अगर वो व्हील हवा में है तो आप आसानी से घुमा सकते हो, टायर घूमेगा, ठीक है, अंगुली से। उस सिचुएशन में आप जो टॉर्क लगा रहे हो वो जो भी टॉर्क है वो मान लो कि हाँ भाई मैंने ये घुमाया, इतना टॉर्क मैंने लगाया, कोई भी एक अमाउंट मान लो। अगर आप गाड़ी को नीचे उतार देते हो जमीन पे और फिर घुमाने की कोशिश करते हो, जब टायर जमीन पे, जब उसमें ट्रैक्शन है, ठीक है, पकड़ है उसमें, उस समय आप घुमाने की कोशिश करते हो, भले ही वो घूमे या ना घूमे या कम स्पीड से घूमे, लेकिन आप जो है उस पे टॉर्क ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो। ये चीज़ ध्यान रखना, आप उस पे जोर जो है घुमाने का फोर्स जो है वो ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो। तो ज़रूरी नहीं कि टॉर्क ज़्यादा हो यानी कि स्पीड ज़्यादा है तो टॉर्क ज़्यादा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। स्पीड जो भी हो, टॉर्क जो है वो होती है रोटेशनल फोर्स, आप जो घुमाने के लिए फोर्स लगा रहे हो वो कितनी है। जब टायर हवा में था तो कम फोर्स में घूम रहा था, ठीक है, तो लेकिन जब ज़मीन पे आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो भी वो घूम नहीं पा रहा है, कम कम घूम रहा है। तो इसका मतलब जो है जो व्हील ज़्यादा तेज घूम रहा है ज़रूरी नहीं उसमें टॉर्क भी ज़्यादा हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा टॉर्क होने का मतलब हर बार ये नहीं होता कि किसी गाड़ी की टॉप स्पीड ज़्यादा हो, मतलब ये चीज़ ध्यान रखना। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जहाँ ओपन डिफरेंशियल में चलो इसको एक थोड़ा सा मैंने कहीं देखा था किसी को एक ऐसा डायग्राम सा बनाते हुए, वो वाला डायग्राम मैं यूज़ कर लेता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ थी, जैसे भी सीखने को मिले सीख लेना चाहिए। तो मान लो ये दो टायर है, ठीक है, अभी यहाँ पे इन दोनों टायर्स में ये डिफरेंशियल के थ्रू ये एक्सल है, ठीक है, अभी इन दोनों टायर्स में टॉर्क जो है बराबर जा रहा है, ओपन डिफरेंशियल है, 50% इसमें 50% इसमें जा रहा है, ठीक है, 50-50% गया, या ये 50 लिख दिया मैंने। अब क्या है, ये ओपन डिफरेंशियल की बात कर रहा हूँ, लॉक की नहीं। तो पावर भले ही इसमें ट्रैक्शन हो, ये पकड़ पाया हुआ है और ये ज़्यादा तेज घूम रहा है, ये घूम नहीं पा रहा है, लेकिन टॉर्क दोनों में बराबर जा रहा है। लॉक डिफरेंशियल में क्या होगा, दोनों ये जो है, ये जो बीच वाली आपको रॉड दिख रही है, दोनों टायर्स दोनों व्हील्स में जो जा रही है, ये लॉक हो जाएगी आपस में, अलग अलग नहीं घूम पाएगी, इनकी स्पीड जो है वो लॉक कर दी जाएगी कि भैया आप अलग स्पीड पे नहीं घूमोगे। ज़रूरी नहीं है किसको कितना टॉर्क मिल रहा है, किसको कितना क्या मिल रहा है, आप अलग अलग नहीं घूमोगे। एक टायर अगर घूम रहा है 2 RPM कर रहा है एक सेकेंड में, दूसरा टायर भी दो ही राउंड करेगा एक सेकेंड में, ये शर्त हो जाती है लॉक्ड में, यानी कि आपकी जो है स्पीड ये लॉक कर दिया जाता है दोनों टायर्स के साथ वाला, दोनों टायर को साथ में जोड़ दिया जाता है और पावर तो आपकी यहाँ से आ ही रही है। मैंने बताया था इसका हार्मनेस क्या है, आप मान लो टर्न ले रहे हो तो एक टायर जो है वो उसको एक्स्ट्रा घूमना पड़ता है, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, तो वो सिचुएशन हो जाती है। इसीलिए लॉक डिफरेंशियल प्रेफर नहीं किया जाता है रोड्स पे चलाने के लिए, लॉक डिफरेंशियल वहाँ प्रेफर किया जाता है जहाँ पे ट्रैक्शन इतना ज़्यादा ना हो, मिट्टी स्नो वगैरह वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब बात करते हैं तो लॉक डिफरेंशियल में दोनों भाई घूमेंगे सेम स्पीड से, वहाँ क्या होता है, वहाँ टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक को ज़्यादा मिलेगा एक को कम मिलेगा। कैसे, जब व्हील्स लॉक्ड है मान लो, और ये मान लो मिट्टी में है और ये प्रॉपर सड़क है, एकदम डामर की अच्छी खासी नई नई सड़क है चमचमाती हुई मोदी जी की बनाई हुई, तो यहाँ पे दोनों जो है ये वाला मिट्टी में है और ये वाला, तो यहाँ पे ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ट्रैक्शन यानी कि पकड़ ज़्यादा होगी, जिस व्हील की पकड़ ज़्यादा है आप उस पर ज़्यादा टॉर्क लगा सकते हो,
कैसे लगा सकते हो? मैंने अभी भी बताया कि एक तो व्हील घूम रहा है, आप आसानी से घुमा पा रहे हो उसे, और एक जमीन पे पड़ा है जब टायर व्हील जो भी है बाइक का, और उसे जोड़ लगा रहे हो तो भी धीरे धीरे घूम रहा है। यानी कि जो जमीन पे पड़ा है उसी पे तो ज्यादा फोर्स लगा पाओगे ना, जो ऑलरेडी घूम रहा है उस पर कहाँ फोर्स लगाओगे। अगर आपके पास फास्ट स्पिनिंग है, आपके पास हॉर्स पावर ज्यादा आ रही है, आप ज्यादा तेज स्पिन कर सकते हो, तो आप भले ही ज्यादा टॉर्क लगा भी पाओ उस पर, लेकिन जो चीज आपके पास पड़ी है जमीन पे उस पर ज्यादा टॉर्क आप अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पे लागू होती है, जब ये टायर जो है सड़क पे है और ज्यादा पकड़ है इसकी, और ये टायर हवा में है और घूमना, इस दोनों को स्पीड सेम ही रखनी है। यानी ये टायर दो चक्कर निकालेगा, ये भी दो चक्कर निकालेगा, तो जो ज़्यादा टॉर्क है वो ऑटोमेटिकली इसी के पास जाएगा कि भैया इसको ज़्यादा ज़रूरत है, इसको घुमाओ घुमाओ। चलो इसको अच्छे से समझाता हूँ। अब आप कहोगे कि ये ट्रांसफ़र हुआ कैसे। मान लो ये वो रॉड है, ठीक है, एक टायर इधर एक टायर इधर, एक टायर हवा में है एक टायर जमीन पे है। अभी मुझे यहाँ से टॉर्क यूँ अप्लाई करूँगा, मेरे को आगे की तरफ ले जाना है, तो मैंने टॉर्क यूँ अप्लाई किया। सिचुएशन क्या है वो समझिए, ये टायर जमीन पे पकड़ बनाए बैठा है, इधर तो कोई पकड़ है ही नहीं। तो जब इधर कोई पकड़ है ही नहीं तो मेरा प्राइम काम तो इसी को घुमाने का हुआ, तो जितना भी टॉर्क मैं लगा रहा हूँ उससे मैं यही तो घुमाऊंगा। घूमेगा तो इधर वाला भी, लेकिन इधर का तो मतलब ही नहीं है ना, ट्रैक्शन ही नहीं है। जहां पकड़ ज्यादा होती है वहां ज्यादा टॉर्क ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, लॉक्ड डिफरेंशियल वाले केस में, ठीक है। तो यहां मान लो 100% पकड़ है इस तरफ और इधर कोई नहीं, इधर कोई हवा में हटाया तो 100% टॉर्क जो है यहां पे चला गया। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, नहीं आया तो एक बार वापस शुरू से शुरू कर दीजिए यहाँ तक। अब बात करते हैं थार के एमएलडी के बारे में। बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ये थार का एमएलडी क्या होता है, ये मैकेनिकल लॉकर डिफरेंशियल आखिर होता क्या है। देखो दोस्तों, आमतौर पर गाड़ियों में लॉक करने के लिए डिफरेंशियल एक बटन दिया होता है, जैसे कि एंडेवर में दिया है कि भाई डिफरेंशियल लॉक कर दो आप और उसके बाद में गाड़ी को चला लो। ये मैंने अपनी वीडियो में भी आपने देखा होगा, थार की ऑफरोडिंग वाली वीडियो में, सॉरी एंडेवर की ऑफरोडिंग वाली वीडियो में, मैं लॉक कर रहा था डिफरेंशियल और फिर चला रहा था। तो आमतौर पे जहाँ पे मैन्युअली आपके पास बटन होता है लॉक करने के लिए, थार में एक ज़बरदस्त सिस्टम है। सिस्टम क्या है, ऑटो लॉकर उसे कहते हैं। वो क्या करता है, वहाँ पे एक फ्लाईवेट लगा होता है, ठीक है, आपकी जो एक्सल है इसके पास में एक फ्लाईवेट लगाया हुआ है। वो क्या करता है, ज़्यादा तेज स्पीड होने पर फ्लाईवेट जो है वो चौड़ा होता जाता है धीरे 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 धीरे। तो किसी एक व्हील की स्पीड अगर ज़्यादा तेज हो रही है और एक की कम है तो चौड़ा होता रहता है, और एक हुक होता है वो चौड़ा होकर उस हुक में अटक जाता है। वो हुक क्या करता है, पूरी रॉड को लॉक कर देता है कि भैया आप एक ही स्पीड से घूमोगे, ठीक है। यानी कि अब तक तो इंडिपेंडेंट ओपन डिफरेंशियल की तरह काम कर रहा था, स्पीड तेज हुई तो उस फ्लाईवेट ने लॉक कर दिया अचानक से। यही वजह है कि थार जब भी आप ऑफ रोड कंडीशन में चलाओगे और एक टायर हवा में घूमेगा तो अचानक से झटके के साथ में दोनों व्हील जो है एक साथ लॉक हो जाते हैं। वो जो झटका आता है वो आता है जब वो हुक उसमें फंस जाता है, वो फ्लाईवेट जो है वो यूँ चल रहा है और उसमें हुक फंस जाता है जब, तब वो झटका आता है। तो थार का ये बड़ा ही मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है और काफ़ी लोग काफ़ी ऑफ रोडिंग व्हीकल्स में आता है, अलग अलग नाम से आता है। कुछ लोग ऑटो लॉकर के नाम से यूज़ लेते हैं, कुछ लोग मैकेनिकल लॉकर, कुछ में एमएलडी जैसे थार में आता है। तो जो भी नाम रखें, एक्चुअल में है क्या, वो एक ओपन डिफरेंशियल है और स्पिन करते टाइम में वो फ्लाईवेट जो है हुक में टच हो जाता है, और हुक में टच होने के बाद में वो दोनों पूरी जो टायर दोनों टायर जो है आपस में लॉक हो जाते हैं कि अब भैया घूमेंगे तो बराबर स्पीड से घूमेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी या समझ में आई होगी। कुछ भी बाकी रहा है तो बता दीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी डिफरेंशियल के बारे में, उसमें हम बात करेंगे लिमिटेड सिर्फ डिफरेंशियल की, LSD, जो कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में हमने देखा है। सफारी स्ट्रोम, एंडेवर, जो पुरानी वाली एंडेवर जो थी उसमें लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल आता था, और भी बहुत सारे व्हीकल्स में आता था। तो हम उसकी फिर बात करेंगे कि वो क्या होता है। ओपन डिफरेंशियल हो गया है, लॉक डिफरेंशियल हो गया है, लॉक के साथ में MLD मैकेनिकल लॉकर डिफरेंशियल जो भी है वो हो गया है। तो बस फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन प्रॉपरली भेज नहीं पा रहा है। तो ऑप्शन वाला चीज़ जो आपको बताई थी वो भी कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, बताइए उन्हें कि इतना ईजिली आपको समझ सकते हैं। अगर आपको सच में समझ में आया तो अगली वीडियो जो कि कल ही आ जाएगी, तब तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।